अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस। हाफ के जी धुली हुई बोनलेस चिकन ली है, छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। दो टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड करें। इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, ध्यान से इसका पानी निकाल दें अच्छी तरह से। एक अंडा फोड़ें, नमक ऐड करें टेस्ट के हिसाब से। एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करें। एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करें। एक टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करें। 1/4 टीस्पून ऑरेंज रेड कलर ऐड करें, ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करें और रख दें इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके। चिकन को मैरिनेट करके आधा घंटा हो चुका है, अब इनको डीप फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे 1 कप तेल में। तेल गरम हो चुका है, अब इनको डीप फ्राई कर दें। एक साइड से क्रिस्पी हो चुके हैं, इनको टर्न कर देंगे दूसरी साइड पर। लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं दोनों साइड से, इनको निकाल देंगे। बाकी सारे भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तीन पोटी लहसुन लिया है मीडियम साइज, बारीक बारीक चॉप कर दिया है। अब इनको डीप फ्राई करेंगे सेम चिकन तले हुए तेल में। मीडियम फ्लेम पे इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर देंगे। गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल देंगे। बर्न्ड गार्लिक रेडी है। मैंने 2 मीडियम साइज कटी हुई प्याज ली है ऑमलेट स्टाइल में, 5 मीडियम स्प्रिंग ऑनियन की व्हाइट ऑनियन ली है, 15 हरी मिर्चियाँ काट दी है बारीक बारीक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची ले सकते हो। अब इनको सौते करेंगे सॉफ्ट होने तक।
नमक ऐड करके इनको सौते करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसमें फ्राइड चिकन ऐड करेंगे। मिक्स करें। अब इसमें 2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करें। मिक्स करें। दो टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड करें। मिक्स करें। चिकन बहुत अच्छे से पक चुकी है, अब इसमें 1/2 किलो बॉईल किए हुए चावल ऐड करें। आधा किलो चावल ऐड करने के बाद इसमें ऐड करें 5 मीडियम साइज स्प्रिंग ओनियन की ग्रीन ओनियन बारीक कटी हुई। फ्राई करें मिक्स करते हुए। इसमें बर्न्ड गार्लिक ऐड करें और चावलों को मिक्स करें लो फ्लेम पे फ्राई करते जाएं इसको। फ्राइड राइस है इसलिए हमको इनको फ्राई करना होगा लो फ्लेम पे हल्के हाथ से हिलाते हुए। मैं इसमें 2 टेबलस्पून और डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो स्किप कर दें। मिक्स करें। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें और लाइट हैंड से इनको फ्राई कर दें। चिकन बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस बनकर तैयार है। इसमें गार्लिक का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट, बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसमें, फ्लेवर है गार्लिक का, बर्न्ड गार्लिक का। चिकन बर्न्ड गार्लिक फ्राइड राइस तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।